चलिए सभी बच्चे आ जाएं। हेलो चलिए आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा पांचवा है, एक्सरसाइज 7.2। ठीक, चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन। नोट कीजिए भाई, शिवांग अटेंडेंस लगाने के लिए आए थे क्या सिर्फ? क्वेश्चन नोट कीजिए। शिवांग कहाँ गायब हो जाता है भाई? चलिए देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, यानी अनुपात ज्ञात करना है। और वो जो रेखाखंड है वो कहाँ से विभाजित हो रहा है भैया? एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, ठीक है। और उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है। तो सभी को पता है कि एक्स अक्ष पे जो होता है हमारा वाई क्या होता है भैया? ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अगर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु मान लो पी है, तो इस रेखाखंड को जो है एक्स अक्ष पर विभाजित होता है ना, तो इसके निर्देशांक जो हो जाएंगे हमारे एक्स कामा जीरो हो जाएंगे। विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एक्स कामा जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष पे जो हमेशा वाई जो होता है हमारा जीरो होता है, ठीक। और वाई अक्ष पे एक्स जो होता है वो जीरो होता है, ठीक। इसको याद रखना है। तो चलिए मान लीजिए कोई एक रेखाखंड है, ये ए है और ये क्या है हमारा बी है। इसके निर्देशांक दिए हैं 1.-5 और बी के दिए हैं -4.5। इतना दिया हुआ है कि नहीं? ठीक। तो कह रहा है एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक विभाजन बिंदु मान लो यहाँ पर पी है, ठीक है। तो एक्स अक्ष से विभाजित होने का मतलब है उस विभाजन बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे? अभी एक्स कामा जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? एक्स कामा जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक्स अक्ष की बात कर रहा है। एक्स अक्ष की बात करने का मतलब हो गया वहां पे वाई जो होता है हमारा जीरो होता है, ठीक है। बस अनुपात निकालना है। मान लीजिए माना अभीष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? के अनुपात एक। हमेशा बस एक ही प्रोसेस है अनुपात निकालने की बात। चलिए लिखिए, x1 जो हो गया एक हो गया, y1 हो जाएगा हमारा -5, x2 हो जाएगा -4 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। x जो हो गया ये x हो जाएगा, y जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और m1 जो हो जाएगा हमारा k हो जाएगा, और m2 जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। बस लगा दीजिए अंतर विभाजन, ठीक है। वही एक फार्मूला ही लगाना अंतर विभाजन वाला। एक्स कामा वाई क्या होता है भैया? m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 / m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2, ये होता है ना। चलिए रखते जाइए मन। P जो विभाजन बिंदु है उसके निशान कितने? एक्स कामा जीरो, तो रख दीजिए भैया एक्स कामा जीरो। M1 हमारा K हो गया, X2 जो हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा, M2 एक हो जाएगा, X1 एक हो जाएगा, बटा M1 + M2 मतलब K + 1 - कामा
M1 हो जाएगा हमारा k गुणा y2 जो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, प्लस M2 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुणा y1 कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 5 है बटा k+1। ठीक, आगे हल कर लो, ये हो जाएगा x,0 बराबर क्या हो जाएगा, -4k+1 अपान कितना हो जाएगा k+1, कामा ये क्या हो जाएगा हमारा 5k-5 अपान कितना हो जाएगा k+1। ठीक, चलिए यहाँ से k का मान निकालना। क्या बताया था हमने, तो ये वाला x वाला टर्म है ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर y वाला है। अब x वाला अगर हम इसके बराबर करते हैं तो ये तो अचर पद है ना। अच्छा एक बार करके बता देते हैं, ठीक है, कहते हो कि ये वाला कैसे हो जाता है कैसे नहीं, तो जरा देखिए उसको किया करो, दिमाग में अगर क्वेश्चन उठे उसको जरूर करो। ठीक, चलो देखो, अगर हम इसको अगर इसके बराबर करें वही, तो x बराबर -4k+1 अपान k+1, k का मान चाहिए ना, तो जब हम इसके बराबर करेंगे तो एक्स के हो जाएगा प्लस एक्स बराबर -4k+1, आगे समीकरण हल ही नहीं होगा, हमको k का मान चाहिए ना, यहाँ पे तो एक चर पद और आ गया। ठीक, इसलिए हम इसको इसके बराबर नहीं करेंगे, ये वाला कर लेंगे, यहाँ से k का मान निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे? तो चलिए इसको जो है 0 के बराबर करो, वो y वाला जो टर्म है 0 के बराबर ही है ना, क्योंकि y यहाँ पे 0 है, ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर क्या हो जाएगा 5k-5 अपान कितना हो जाएगा k+1। अब इसकी जब गुणा कराओगे तो 0 के साथ हो तो पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना है 5k-5, 5 इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा ना, ये कट गया कितना गया 1, यानी k बराबर कितना आ गया 1 आ गया। k बराबर भैया हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी जो अनुपात आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 1:1, यानी अनुपात क्या माने थे, k अनुपात 1 माने थे, यानी जो अभीष्ट अनुपात माने थे, अभीष्ट अनुपात क्या माने थे, के अनुपात 1, के का मान आया है 1, तो 1:1 यही जो आ जाएगा हमारा अनुपात आ जाएगा। ठीक, आ गया अनुपात। अब उसके साथ में और एक चीज भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि विभाजन बिंदु के, विभाजन बिंदु कौन सा बिंदु है, ए है कि बी है, बताओ भाई, विभाजन बिंदु कौन है, विभाजन बिंदु कौन सा है बताओ। हाँ P है, विभाजन बिंदु जो है हमारा P है ना, तो उसके निर्देशांक निकालना है हमको। ठीक है, तो उसका निर्देशांक मतलब क्या है, x,0 है कि नहीं, x,0 है। अब 0 तो हमको पता है पहले से ही, अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान कहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ पे जो टर्म बराबर किए थे, x बराबर इसके, ये x वाला टर्म है, इसके जब बराबर करोगे, अब k का तो मान यहाँ से निकल के आ गया, तब तो हमारा x जो चर पद है उसका तो मान निकल के आ जाएगा, यानी x बराबर क्या है -4k+1 अपान k+1। अब k यहाँ पे कितना आया था 1, तो यहाँ पे हम k का मान जब रखेंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा भैया, x का मान आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -k-4+1 बटा कितना जाएगा 2, x बराबर कितना जाएगा -3/2, यानी x का जो मान आ गया -3/2 है, और विभाजन बिंदु जो है हमारा P है, उसके निशान कितने दिए हैं x,0, यानी विभाजन बिंदु जो है हमारा क्या है P है ना, उसका निशान जो दिया है हमारा x,0 दिए हैं। ठीक है, अब उसके 0 का मान जो रखोगे ना, x का मान कितना आया भैया -3/2 आया है, इधर तो 0 है, मतलब जो विभाजन बिंदु हो जाएगा उसके जो निर्देशांक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे हमारे -3/2,0, और जो अभीष्ट अनुपात आएगा वो 1:1 आएगा। इतना लगा लोगे सभी लोग, बताओ भाई इतना जो है सभी का लग जाएगा, सभी को समझ में आ गया। ठीक, अब तो जो है अनुपात वाले में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यही क्वेश्चन आते हैं और अलग से आएगा नहीं, या फिर विभाजन बिंदु के यहाँ पर निर्देशांक दे देगा, तीन क्वेश्चन टाइप से बन जाएंगे, या फिर निर्देशांक दे देगा कि -1,-2 है, तब तो बड़ा आसान था, जिसको बराबर करोगे उसमें के का मान आएगा, या फिर एक्स अक्ष से विभाजित कहेगा या फिर वाई अक्ष से विभाजित कहेगा, बस अन्यथा इस तीन टाइप के अलावा और कोई चौथा टाइप क्वेश्चन आ ही नहीं सकता विभाजन वाला, समझे कि नहीं। ठीक, तो अब विभाजन में जो है हमारे हिसाब से गलती नहीं होनी चाहिए अगर अनुपात निकालना हो, क्योंकि अनुपात जो है हमेशा ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करो, 5 वाला इसको नोट कीजिए, इसके बाद 6ठा क्वेश्चन है वो नोट करो है।
अरे आज वैशाली आ गए भाई। अच्छा वो वाला टर्म है ना कि 2 दिन बाद नहीं आओगे तो दिक्कत होगी, वो सोचना देख देख के सब आ जाते हैं। तो 2 दिन का मत छोड़ो और पर डे देखो, ठीक है? पर डे अगर नहीं आ रहे तो फिर बेकार, फिर कोई जब फायदा नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, बस ठीक। चलो बताओ शिवंग, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो उस पे, चैट में बताओ ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए, छठा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2,4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लगवा चुके हैं, सभी को पता है ना, उदाहरण लगवाया था, बिल्कुल सेम है। चलिए देखिए, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष लिख लीजिए भाई। क्वेश्चन सभी लोग नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी को कंडीशन पता है समांतर चतुर्भुज की, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर और समांतर होती हैं और इनके जो विकर्ण होते हैं भैया एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है? तो मान लो ये P बिंदु पे समद्विभाजित कर रहे हैं, तो P जो हो जाएगा विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु हो जाएगा और BD का भी मध्य बिंदु हो जाएगा कि नहीं? ठीक, तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को क्या कर देंगे हम बराबर। चलिए यहाँ पे जो निर्देशांक लिखना है बिल्कुल सीरियल से लिखना, 1,2 इसका क्या है, बी का 4,y, सी वाले का क्या है भैया 1,6 और डी के जो निर्देशांक है हमारे 3,5 है। ठीक, कितना हो गया सभी का, नोट हो गया ना? चलिए तो ये हम जानते हैं, यहाँ पे लिखोगे लैंग्वेज बोल देने लिख लो, हम जानते हैं कि लिख लीजिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है? क्या लिख लोगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके बराबर हो जाएंगे, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, चलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक सभी को फार्मूला पता है, यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख रहे हैं, x1 + x2/2 होता है कामा y1 + y2/2, ठीक बराबर इधर भी x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2, ठीक है? ये होता है ना। अब चलिए पहले AC की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, AC, तो AC का मध्य बिंदु निकालिए भाई। AC X1 हो गया, ये Y1 हो गया, सभी को पता है X1 Y1, X2 Y2, तो X1 + X2, X1 कितना है हमारा 1 है, प्लस X2 कितना है x है / 2, कामा Y1 + Y2 यानी 2 + 6/2 इतना हो जाएगा बराबर। इधर BD विकर्ण की बात हो रहा है तो ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया, X2 हो गया, ये Y2 हो गया, X1 कितना हो जाएगा हमारा 4 + X2 हो जाएगा 3/2, ठीक है? कामा Y1 + Y2 मतलब Y+Y2 हमारा 5/2, ठीक? इसको जब हम हल करेंगे कि 1 + x/2 आ जाएगा, कामा
छः दो को जोड़ेंगे आठ हो जाएगा, ठीक, बराबर 7/2 आ जाएगा, कामा वाई प्लस 5/2, ठीक। अब ये एक्स एक्स वाला टर्म है, ये आपस में बराबर कर लो, ये वाई वाई वाला टर्म है, इसको बराबर कर लो, एक्स वाई के मान आ जाएंगे। तो जब इसको हम बराबर करेंगे तो 1 + x/2 बराबर क्या हो जाएगा, 7/2, ये दो दो कट गया, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा 1 + x = 7, 1 को उधर ले जाओगे, 7 - 1 मतलब x बराबर 6। x का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। सभी को दिख रहा है कि नहीं? सभी को दिख रहा है x बराबर 6। चलो इसके आगे जब इसको हम बराबर करेंगे, इधर लगा दे रहे हैं यहाँ पे, इस वाले टर्म को अगर बराबर करें हम, तो हो जाएगा हमारा 8/2 वाई वाला ना, तो वाई प्लस 5/2 हो जाएगा, दो दो कट गया तो 8 बराबर हो जाएगा वाई प्लस 5, 5 इधर ले आओगे तो कितना बचेगा, वाई बराबर 3 हो जाएगा, ठीक। यानी एक्स बराबर 6 हो जाएगा, वाई बराबर 3 आ जाएगा, यही जो हो जाएंगे हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक, समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए, कर लोगे ना? सभी का हो जाएगा, बताइए। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 7। चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ये नोट हो गया सभी का? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक। चलिए क्या करना है भैया, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, हाँ, जहां ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है, क्या है भैया, व्यास। ए बी जो है हमारा वृत्त का व्यास है, और जिसका केंद्र जो है 2, -3 है, तो बी के निर्देशांक भी दिए हैं। चलिए पहले एक वृत्त बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, ठीक है। एक वृत्त बना लो पहले, ठीक, ये इसका केंद्र हो जाएगा और ये व्यास हो गया भैया ए बी। सभी को पता है व्यास वह परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जो कहां से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है, वो क्या होती है, व्यास, ठीक है। और एक छोर को दूसरे छोर को भी मिलाती है एक रेखा जो केंद्र से ना गुजरे, उसको बताओ जरा क्या कहते हैं, बताइए। कक्षा 9 में सब पढ़ा, 8 में भी बताया था हमने, बताओ। व्यास तो पता है ना, परिधि के एक छोर से ये परिधि हो गई, एक छोर से दूसरे छोर को मिलाए और केंद्र से जाए, वो तो हमारा व्यास हो गया भैया। और परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को जो मिलाती है लेकिन व्यास से ना गुजरे, वो जीवा कहलाती है, क्या कहलाती है, जीवा, ठीक है। सभी को पता है ना, ठीक, वृत्त के बारे में।
अच्छा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है ये भी बताओ जरा। अब चुप हो गए। हाँ व्यास। गुड। चलिए आगे देखते हैं। चलो वो तो जब व्रत वाला आएगा तो उसमें सब होगा। इधर देखिए, अब ये केंद्र जो हो गया बीच में होता है ना, मध्य में होता है, मध्य में होता है ना, मध्य बिंदु। ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा। किसका मध्य बिंदु हो जाएगा भैया? व्यास का। उसको हम मान लेंगे ओ। ठीक है, अब जो केंद्र है उसका निर्देशांक दिया हुआ है क्या? 2, -3। और बी के जो निर्देशांक है वो क्या है? 1, 4 है कि नहीं? 1, 4। तो ए के निकालिए, लग जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें भाई? ये क्या है, एक रेखाखंड वाला ए बी है, उसका मध्य बिंदु दिया है वो। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं फार्मूला उसको लगा दीजिए। यहाँ पे मान लो इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे ए है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1, y1। ठीक, ये हो जाएगा हमारा x1, x2, y2। चलिए लिख लीजिए, x1 बराबर x, x1 और y1 बराबर y1, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या फिर इनका x और y लिख लो, कोई समस्या नहीं है। x1 बराबर x हो गया, y1 बराबर y हो गया। b वाले में क्या हो जाएगा? x2 जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भाई मध्य बिंदु कौन सा है हमारा? O है ना, तो उसके निशान क्या होते हैं? x बराबर 2, y बराबर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर x1 और y1 ही रखो। ठीक, क्योंकि यहाँ पर x और y है, फिर दिक्कत होगी। ठीक है, समझे कि नहीं? तो ये जो है हमारा मध्य बिंदु है। क्या है भाई? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल, लगा दीजिए फार्मूला। मध्य यहाँ पर पहले लिख लेना कि O जो है, या फिर कर लिख लेना वृत्त का केंद्र व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है भैया? मध्य बिंदु। ठीक है, अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निशान लगा दू। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं हमारे? x बराबर होता है ना x1 + x2 / 2, हमारा y बराबर क्या होता है? y1 + y2 / 2। यही तो होता है वो x के वाला टर्म, x के बराबर y वाला y के बराबर। अब चलिए देखो, x कितना दिया है हमारा? 2 दिया है। बराबर x1 तो हमारा x1 ही है, इसको तो निकालना है। प्लस x2 हमारा कितना है भैया? 1 / 2। समीकरण बन गए। इसके इधर गुणा कराओ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बराबर x1 + 1, 1 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा भैया हमारा? 3 आ जाएगा, यानी भुज आ गई हमारी 3। ठीक, ऐसे कोड निकाल लीजिए। वाई वाई का मान जो दिया है -3 है। बराबर y1 तो निकालना है, प्लस y2 कितना है? 4 है / 2, इसकी गुणा कराओ -6 हो जाएगा। y1 + 4, इसको इधर लाओगे तो -4 हो जाएगा y1, इसको जब जोड़ोगे तो भैया 10 आ जाएगा। कोड कितनी आ गई? -10। y1 जो आ गया -10 आ गया। तो a के जो निर्देशांक हैं, a के निर्देशांक जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे भैया? क्या थे हमारा? x1, y1 था ना। x1 जो आया हमारा 3 आ गया, y1 आ गया -10। ए के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे, 3, -10। ठीक, कोई दिक्कत बताइए? इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई समस्या है? लगा लोगे ना? विभाजन वाला है तो दिमाग लगाओ बस, और फार्मूला याद रखो। सभी बच्चे लगा लेंगे। अच्छा अजय आ गए लास्ट में? ठीक, कल भी आए थे लास्ट में ना? हाँ नहीं, कल पहले आए थे, चले गए थे। अच्छा ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। रेगुलर कौन रहा है स्टार्टिंग से? वैशाली, दीपाली, हर्ष, प्राप्ति, मयंक, प्रज्ञा, शिवांग। ठीक,
चलिए नोट हो गया सभी का, सब बच्चे लगा लोगे ना, बताओ। ठीक, तो इतने क्वेश्चन जो है आप लोग कीजिए, फेयर पे करना है सभी को। कौन सा हो गया हमारा, 5, 6, 7 हो गए। ठीक, बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको जो है कल की क्लास में करा दिया जाएगा, और उसके साथ में एक होमवर्क भी लिख लिया करो। इतना तो क्वेश्चन है तो फेयर पे करते हो, और पीछे से भी रिवीजन करो, नहीं तो सब भूल जाओगे भाई। ठीक है, सब जो है भूल जाओगे, तो पीछे से रिवीजन जो है एक्सरसाइज 1.1 की स्टार्टिंग से शुरू कर दीजिए। ठीक, 1.1, तो 1.1 के जो है आज जो है सभी को उदाहरण ही लगाने हैं, एक्सरसाइज 1.1 के उदाहरण जो है लगाने रफ पर और उसको सेंड करना है। ठीक है, पीछे से भी करना शुरू कर दो, नहीं सब भूल जाओगे। देखो आता जो है बुक से आता है, बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इतनी बार करो कि क्वेश्चन देख के आंसर पहले बता दो, बाद में लगाना उसको, समझे कि नहीं। ठीक, तो इतना क्वेश्चन जो है ये फेर पे करना है, और उसके बाद में जो उम्र बताया तो उसको रफ पे करना है, ग्रुप पे भेजना है। थैंक यू। क्वेश्चन नोट करना है? नहीं, क्वेश्चन जो है रफ वाले पे नहीं नोट करना है, रफ वाले पे क्वेश्चन मत नोट करना। ठीक है, फेयर वाले पे क्वेश्चन नोट करना है। ठीक, समझे बेटा? क्वेश्चन जो है फेयर पे जो है उस पे तो नोट करना है, लेकिन रफ वाला जो कार्य है उस पे क्वेश्चन मत नोट करना, बस क्वेश्चन नंबर डाल लेना, बस कर लेना। ठीक है, थैंक यू।